तनासब है। फिर इस पर उन्होंने मजीद तहकीक करते 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 1948 में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये कायनात जीरो से बनी है, एक धमाके से बनी है, धमाके से। मैं साहिवाल में था, एक बच्चा आया मेरे पास एफएससी के, फिर उसके कान पर का हेडफोन सा था, कहा जी ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इस वक्त 700 लड़के आपकी बात सुनेंगे जो आप मुझसे करेंगे। एक यहूदी हमसे तलबीब से सवाल कर रहा है कि बिग बैंग के बारे में तुम्हारे कुरान में कोई बात है कि ये कायनात एक धमाके से वजूद में आई, क्या तुम्हारे दीन में कोई इसके बारे में दलील रोशनी है, तो अगर है तो मुझे बताओ तो फिर मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मैंने कहा पहली बात ये बच्चे कि हमारा कुरान साइंस की तस्दीक करने नहीं आया और साइंस को झुठलाने नहीं आया, हमारा कुरान हिदायत के लिए आया है, जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है, कहीं कहीं वो दुनिया की चीजों को टच करता है, जहां वो टच करता है वो ऐसा सही टच करता है कि वो उसे कुछ चैलेंज नहीं कर सकता। तो इशारा हम कैस कर सकते हैं कि इससे इशारा होता है कि अल्लाह ताला कहते हैं हय्यिन अफला युमिनून, ये जो मेरे मुनकर हैं इनको पता नहीं कि जमीन आसमान एक मिला हुआ मादा था, एक मिला हुआ रत्क, रत्क होता है चीज इस तरह आपस में मिल जाए कि पर उसे जुदा ना किया जा सके, जैसे गोश्त अलग है, सब्जी अलग है, नमक अलग है, मिर्च अलग है, जब हम उसको सालन बनाते हैं तो हर चीज मिक्स होकर अब नमक मिर्च हल्दी इसमें से नहीं निकल सकती, इसको अरबी में कहते हैं रत्क, कानता रत्कन, ये सब कुछ मिला हुआ था, और फतक उसको अलग अलग कर दें, फतक ना हुमा, फिर हमने इसको फाड़ा और इसको धमाके के साथ हमने इसको फैलाना शुरू किया। असर के बाद वो आया, कहने लगा जी वो यहूदी मुसलमान हो गया है, उस वक्त सुन के चला गया, फिर असर के बाद उसने आकर मुझे बताया कि जो वो मुसलमान हो गया है। तो हमारे पास ये नजरिया नहीं है कि आप ही बन गए, हमारे पास ये नजरिए कि उसको अल्लाह ने बनाया है और एक निजाम के साथ। अच्छा, फिर एक पॉल डेविस साइंसदान था ऑस्ट्रेलिया का, उसने फिर एक और बात साबित की कि कोई बनाने वाला है, खुद नहीं बना, उसने डार्विन को गलत साबित किया, और दूसरे जो देहरी है, बहुत से देहरी साइंसदान थे अब भी हैं, उन सब की बात को उसने गलत साबित किया कि ये धमाका किसी ने किया है, खुद नहीं हुआ, कि हर धमाके के बाद तखरीब होती है, धमाके से तो तखरीब होती है ना, ना कि तामीर। अगर मैं जाके अभी अपने मस्जिद में कहूं कि हम वो बैठे थे लॉरेंस कॉलेज की मस्जिद में, वहां हुआ धमाका, हर लड़का उड़ता हुआ अपने बेड पे जाके बैठ गया और प्रिंसिपल जाकर उड़ते हुए अपने ऑफिस की सीट में फिट हो गए, कोई मानेगा इसको? मान साहब पागल हो गए हैं, किसी पर कभी धमाका भी ऐसे 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 मुनज्जम तरीके से हुआ? धमाके से तो तोड़फोड़ होती है, ना कि उससे कोई शक्ल वजूद में आती है या कोई तामीर वजूद में आती है। ये कायनात में वाहिद धमाका है जिसने इतने खूबसूरत अंदाज में कायनात को वजूद दिया कि कोई ये मानने पे तैयार नहीं है कि ये धमाका इतना अकलमंद था। धमाका तो पागलपन होता है ना, ठा हुई और ये उधर गया वो उधर गया, तो उसने ना फिर एक सेकंड को ना हजार हिस्सों में तो तकसीम किया जा सकता है, हजार से आगे फिर वो तकसीम नहीं होता, तो उसने ये बात प्रूव की कि अगर हम फर्जी तौर पर एक सेकंड के 10 लाख खरब हिस्से कर दें, 10 लाख खरब हिस्से, जब धमाका हुआ था तो दो ताकतें पैदा हुई थी, एक ग्रेविटी और एक रफ्तार। एक रफ्तार पैदा होकर धमाके से चीज फैलती है ना, एकदम उभरती है, तो जब वो था तो उसमें दो ताकतें पैदा हुई, एक कशिश ग्रेविटी, एक रफ्तार स्पीड। अगर उस वक्त स्पीड ज्यादा हो जाती तो ये कायनात बिखर जाती, और अगर उस वक्त कशिश और ग्रेविटी ज्यादा हो जाती तो ये कायनात फिर सिमट के फिर जीरो हो जाती। इसमें अगर एक सेकंड के 10 लाख खरब हिस्से किए जाएं और 1/10 लाख खरब सेकंड के बराबर अगर रफ्तार बढ़ जाती तो कायनात बिखर जाती, और अगर ग्रेविटी बढ़ जाती तो कायनात जीरो हो जाती, तो ये कोई कैसे तस्लीम करे कि ये ऑटोमेटिक हो गया, ये खुद ब खुद हो गया? कोई तो है, कोई तो है, अब वो कौन है? यहां आके वो अटक जाते हैं। तो हमारे ये इस बच्चे से भी पूछो तो कहेगा अल्लाह ने जमीन बनाई, अल्लाह ने आसमान बनाया, तो उसको अल्लाह ने यूं जवाब दिया, इन रब्बकुमुल्लाह الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام
तेरा और अल्लाह है जिसने जमीन आसमान 6 दिन में बनाए, ثم استوى على العرش, फिर अर्श पे तख्त बिछाया, يغشي الليل النهار, दिन और रात का निजाम चलाया, يطلبه حثيفا, दिन आगे चलता है रात पीछे चलती है, और फिर الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره, फिर उसने सूरज चांद सितारों को अपने ताबे कर दिया। तो हमारे लिए एक जवाब आसान हो गया कि सब का बनाने वाला अल्लाह है। बात का इलाका तारीकियों का डेरा इलियास ने लहराया, तबलीग का ये फेरा में। बात का इलाका तारीकियों का डेरा इलियास ने देखो, फिक्रों करब को देखो, उनकी तड़प को देखो, फिक्रों करब को देखो, सारे जहान का गम उलमा दे उमद, नानो तभी कल शकर उलमा दे बंदे उलमा।